तो दोस्तों सीपी प्लस कैमरे को टीवी पे कनेक्ट करने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी लोग जो है वो सीसीटीवी कैमरे को मोबाइल पे ही यूज करते हैं और मोबाइल पे ही एक्सेस करते हैं। तो काफी लोग की क्वेरीज आती है कि स्मार्ट टीवी और एंड्रॉयड टीवी पे सीपी प्लस का जो जीसी और मूवी सॉफ्टवेयर आता है उसको स्मार्ट टीवी या एंड्रॉयड टीवी पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। काफी लोग को रिमोट लोकेशन का अपना सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जो होता है वो अपने घर पे या ऑफिस पे देखना रहता है जहाँ पे उनका स्मार्ट टीवी अवेलेबल होता है। तो वो अपने स्मार्ट टीवी पे अपने जीसी मूवी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके पूरे इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्ट और एंड्रॉयड टीवी में सीवी प्लस का जीसी मूवी सॉफ्टवेयर को कैसे इजिली यूज कर सकते हैं। जीसी मूवी सॉफ्टवेयर को हम लोग ऐसे फोन में यूज करते हैं, तो आज मैं इसमें कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि आप जीसी मूवी का जो सॉफ्टवेयर है सीपी प्लस का उसको इसमें कैसे कनेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट टीवी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, अपने एंड्रॉयड टीवी में एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। सीपी प्लस के सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉयड टीवी के प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए क्या करना है आपको अपने सीपी प्लस सॉफ्टवेयर को क्रोम से डाउनलोड कर देना है। अगर क्रोम से आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके सीपी प्लस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको अपने स्मार्ट टीवी में जीसीए मूवी नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अपने स्मार्ट टीवी में एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद ये जो आपका प्ले स्टोर का जो ऑप्शन है यहाँ पे प्ले स्टोर जो दिखा रहा है इसको आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन देगा, तो आपको सर्च के ऑप्शन पे जाना है। सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, शेयर लिख के सर्च करना है, SHARE शेयर लिख के सर्च करना है। शेयर लिख के सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सेंड फाइल टू टीवी का ऑप्शन आ रहा है, तो ये वाले सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इस वाले सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर देना है। और सेम इसी सॉफ्टवेयर को आपको अपने एंड्रॉइड फोन में आपको इंस्टॉल करना है। तो ये रहा शेयर फाइल टू टीवी का सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मेरे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है और प्रेजेंट टाइम में टीवी में इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद क्या करना है यहाँ से आपको ओपन कर देना। ओपन करने के बाद ये इंट्रोडक्शन जो दे रहा है इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर डायरेक्टरी का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना और यहां से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पे सेंड और रिसीव का ऑप्शन देगा, सेम आपको अपने फोन में भी ऐसा ही करना है। आपको अपने सॉफ्टवेयर को खोलना है, सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो यहाँ पे इसमें भी सेंड एंड रिसीव का ऑप्शन देगा। तो इसको क्या करना है आपको अपने फोन में से जो डेटा आपको ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फोन का जितना भी फोल्डर रहेगा यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके जीसीए मूवी डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे है मेरा 62 MB का जीसीए मूवी का सॉफ्टवेयर, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो टीवी है यहाँ पे शो होने लगेगा एच आई डी पी टी एंड्रॉयड, और यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस भी शो हो रहा है यहाँ से देखेंगे तो। उसके बाद क्या करना है इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सेंड फाइल टू टीवी में डायरेक्टली आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पे सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइल रिसीव होने के बाद यहाँ पे सक्सीडेड दिखाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे आप चाहें तो रिमोट से या अपने माउस से इसको डबल क्लिक कर देना है आपको, क्योंकि
क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देगा, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको क्या करना है, शो सेटिंग पे क्लिक कर देना है, पे क्लिक कर देना है। तो इसको क्या करना है, आपको अलाउ कर, अलाउ के लिए मांग रहा है अलाउ फ्रॉम द सोर्स, तो यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से एक बार बैक जाना है। बैक जाने के बाद इस सॉफ्टवेयर को फिर से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद और उसके बाद क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऐप इंस्टॉलेड, ऐप इंस्टॉलेड दिखाने के बाद क्या करना है, आपको डन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं या तो डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ओपन करने वाला हूँ, तो डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन कर दे रहा हूँ यहाँ से मैं। तो ओपन करने के बाद ये आपका जो सॉफ्टवेयर है सीपी प्लस का ऐसे शो होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए मांग रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपका मांगेगा, कैमरा एंड डोर फोन, तो कैमरे पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। वो ऐड का ऑप्शन मिलेगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे दिखेगा, उस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्लस का चिन्ह मिलेगा, तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। फिर वायर डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के ऑन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे आपका यहाँ पे पूछेगा नेम, तो नेम में मैं डाल दे रहा हूँ माई ऑफिस, क्योंकि ये माई ऑफिस डालने के बाद यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे मांग रहा है। तो ये सीरियल नंबर, जैसे कि आपको पता है कि सीरियल नंबर जो होता है वो DVR के पीछे लिखा होता है, तो चाहे तो आप DVR के पीछे से देख सकते हैं सीरियल नंबर। अगर आप DVR के पीछे से अगर सीरियल नंबर नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर आपके फ़ोन में कनेक्ट है आपका कैमरा, तो फ़ोन में कैसे निकालते हैं सीरियल नंबर, उसको भी मैं बता रहा हूँ कि आप फ़ोन से अपना सीरियल नंबर कैमरे का कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं फ़ोन में कैमरा रनिंग कर रहा है, इस कैमरे के सीरियल नंबर को अगर निकालना है, DVR के सीरियल नंबर को निकालना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मेरा माई ऑफिस है, तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन दिखाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पूरा आपका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपका शो हो रहा है, तो इस वाले सीरियल नंबर को आपको अपने स्मार्ट टीवी में डालना है। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर फिल कर दे रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको सीरियल नंबर में सीरियल नंबर डाल देना है। यूजर नेम सबका बाय डिफॉल्ट एडमिन होता है, तो एडमिन ही रहने देना है। फिर यहाँ पे नीचे पासवर्ड के ऑप्शन में जो भी आपके DVR का पासवर्ड है उसको डाल देना है, और बाकी सेटिंग को आपको वैसे ही रहने देना है। सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए स्टार्ट लाइव प्रीव्यू का जो ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैमरा है वो ऑलरेडी यहाँ पे चल चुका है। यहाँ पे मेरे चार कैमरे ऑलरेडी चल रहे हैं, इसमें चौथे कैमरे में मैं खुद दिख रहा हूँ। तो ऐसे करके आप अपने स्मार्ट टीवी में CCTV कैमरे को प्ले कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप जब भी अपने CCTV कैमरे को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करें, तो आप कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करें, जिससे कि आपको अपने स्मार्ट टीवी को ऑपरेट करने में आसानी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे माउस से यूज कर रहा हूँ, तो ये डबल क्लिक करने पे ये देखिए कैमरा बड़ा हो गया, फिर डबल क्लिक करने पे कैमरा छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए माउस और कीबोर्ड का यूज करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्ट टीवी में, एंड्रॉयड टीवी में सीपी प्लस का जो GCMOBI का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप प्ले कर सकते हैं। तो यहां से क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहां पे आपको
कैंसल और ओके का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपका कैमरा जो है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जी सी एम ओबी का जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चार विंडो देखने को मिलेगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे डिवाइस ऐड किया हुआ था यहाँ पे उसका नाम आ चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी कैमरा ओपन करना है, जैसे मैं यहाँ पे कैमरा नंबर वन ओपन कर रहा हूँ, देखिए मेरा कैमरा नंबर वन ओपन हो चुका है। और फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं कैमरा नंबर दो को भी अगर ओपन करूंगा तो ये मेरा कैमरा नंबर दो ओपन हो चुका है। ऐसे करके आप कैमरा नंबर तीन को भी ओपन कर सकते हैं। और लास्ट में आप अगर चाहें कैमरा नंबर फोर है वो भी ओपन हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने स्मार्ट टीवी में जी सी एम ओबी का सॉफ्टवेयर इजिली प्ले कर सकते हैं और अपना जो कैमरा है वो रिमोट लोकेशन से कहीं से भी आप अपने सीसीटीवी कैमरे को अपने घर पे या ऑफिस पे जहां पे भी आपका स्मार्ट टीवी लगा हुआ है वहां से आप अपने कैमरे को देख सकते हैं लाइव। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करें लाइक और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।